नमस्कार दोस्तों, खबरें उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। उन्नाव से श्रीपाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 63 जोड़े ने थामा एक दूसरे का हाथ। पूर्वा ब्लॉक पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज 63 जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर नए जीवन जीने की राह पर कदम रखा है। कार्यक्रम में शामिल यशस्वी विधायक अनिल सिंह ने अपने अंदाज में कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही इस योजना को सभी को लाभ लेना चाहिए और वर वधु को फूल बरसाकर आशीर्वाद दिया और कहा कि इस योजना को जन जन तक पहुंचाना हमारी सभी का कर्तव्य है। इस कार्यक्रम में पूर्वा ब्लॉक में 20 जोड़े, असोहा 18, हिलोली में 14, बिछिया में 7 और नगर पंचायत पूर्वा में एक जोड़े को चारों ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख कर्मचारी ने आशीर्वाद दिया। पूर्वा थाना प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर अपना वर वधु को आशीर्वाद दिया। वर वधु को दान देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद किया और कहा इस योजना को सभी लोगों को लाभ लेना चाहिए। काफी संख्या में मीडिया कर्मी भी मौजूद रहे। ये ज्योति है श्रीहीन, इनका भी और नील पुत्री शाहदीन, ये भी आ जाएं। यहाँ भी माननीय विधायक जी के हाथों वह सारी वरिष्ठ ब्लॉक प्रमुख हमारे हैं, उनके हाथों से उनका, उसके बाद सोहा से काजल पुत्री गुड्डू, लक्ष्मी पुत्री बिंद कुमार, वो भी आ जाएंगे। और बिछिया से हमारे कोमल पुत्री श्री लल्लू, वंदना पुत्री पुत्ती, ये सभी लोग आ जाएंगी, अपने अपने ब्लॉक वाइज खड़े हो जाएंगे। दो दो जोड़े प्रत्येक ब्लॉक से यहां पर आ जाएंगे। आवाज बढ़ाओ, आवाज गाने के, आवाज बढ़ा दीजिए। सारी खुशियां तेरी हो गई आज से, अपनी बहनों को कि जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया है, आज मैं सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ ही उपस्थित अपने भाइयों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। आज सभी बहन बेटियां जी, हमारी जो बेटियां हैं, बहनें, इनसे शादी कर रहे हैं और यहाँ आकर ब्लॉक में कर रहे हैं, तो मैं इनका सबसे ज़्यादा हृदय की गहराई से स्वागत वंदन।